Hello everyone, I am Professor N.B. Chatter welcomes you all in the 37th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have solved some examples on the voltage regulation in the previous lecture, right? We have solved three examples in the last lecture. In today's lecture, we are solving some more examples. ठीक है, आज के लेक्चर में भी हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके ये एग्जाम्पल को, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कंपलसरी एक तो एग्जाम्पल आपके मेन एग्जाम में पूछा जाएगा 4 मार्क के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने लास्ट क्लास में 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ और एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। त्यामध्ये पहिलं, आजच्या लेक्चरचं पहिलं एक्झाम्पल आहे, चौथं एक्झाम्पल आहे आपलं, ओ सी अँड एस सी टेस्ट वेअर परफॉर्म ऑन अ 3 फेज 0.5 MVA मीन्स मेगावोल्ट एम्पियर 3.6 KV स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर। ओपन आणि ओपन सर्किट आणि शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपण तिथं परफॉर्म केलेले आहे, 3 फेज 0.5 MVA 3.KV 3.6 KV स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटरवरती, आणि त्याचे रिझल्ट आपल्याला असे मिळाले, ओपन सर्किट टेस्ट जेव्हा घेतली आपण तेव्हा तिथला IF जो करंट आहे, फील्ड करंट, त्याची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 10 एम्पियर, आणि तिथलं ओपन सर्किटचं व्होल्टेज आहे VOC 3000 व्होल्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जेव्हा आपण परफॉर्म करू तेव्हा फील्ड करंट मिळाला आपल्याला 10 एम्पियर, आणि तिथला शॉर्ट सर्किट करंट मिळाला आपल्याला 150 एम्पियर। आर ए पर फेज की वैल्यू दी है यहाँ पे 1 ओम। नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज रेगुलेशन फॉर फुल लोड कंडीशन एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको रेगुलेशन कैलकुलेशन में कि अगर पावर फैक्टर अगर आपका लैगिंग एंड यूनिटी है तब आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आएगा, एंड अगर आपका पावर फैक्टर लीडिंग में है तब वोल्टेज रेगुलेशन आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है, देखो अल्टरनेटर पावर रेटिंग दी है, पी इज इक्वल टू 0.5 MVA का अल्टरनेटर है, तो उसको कन्वर्ट किया, एम वी ए मीन्स मेगा वोल्ट एम्पियर, और मेगा को कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन यूनिट है आपका 10^6, सो 0.5 × 10^6 वोल्ट एम्पियर हो गए अल्टरनेटर की पावर रेटिंग। नाउ वहां का रेटेड लाइन वोल्टेज कितना दिया है आपको, 3.6 KV, सो VL की वैल्यू यहाँ पे 3.6 KV ली है, और उसको कन्वर्ट किया हमने अगर वोल्ट में, तो K के लिए कन्वर्जन यूनिट रहेगा 10^3, तो ये आएगा आपका 3600 वोल्ट। और ये स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है आपका, इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है आपको 1 ओम, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो क्या कैलकुलेट करना है अपने को, परसेंटेज रेगुलेशन फुल लोड कंडीशन के लिए, लेकिन वहां का पावर फैक्टर आपका 0.8 लैगिंग होना चाहिए। तो पहले तो हम सिंक्रोनस इंपेडेंस को कैलकुलेट करेंगे, ZS की वैल्यू, क्योंकि वहां का फील्ड करंट जो है आपका, वो फील्ड करंट आपको 10 एम्पियर दिया गया है, जब आपकी ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रिजल्ट अपने को मिलते हैं तब फील्ड करंट कितना मिलता है अपने को, 10 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट करंट दिया है वहां का 150 एम्पियर, और स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर होने की वजह से वहां पे फेज करंट एंड लाइन करंट इक्वल में हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी लेंगे अपन, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू 150 एम्पियर। ओपन सर्किट का वोल्टेज लाइन वोल्टेज दिया है वहां पे VOC लाइन 3000 वोल्ट है, ओपन सर्किट का फेज वोल्टेज निकालेंगे वहां से, सो VOC फेज इज इक्वल टू 3000/√3, क्योंकि स्टार में रिलेशन क्या होता है, वी फेज इज इक्वल टू VL/√3 होता है, सो VL यानी आपका लाइन वोल्टेज रहेगा ओपन सर्किट का, सो 3000/√3। याच्यावरून वैल्यू मिळाली आपल्याला ओपन सर्किट फेज वोल्टेजची 1732.050 वोल्ट, ठीक है। याच्यावरून सिंक्रोनस इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला, सिंक्रोनस इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला ZS इज इक्वल टू VOC फेज V/I फॉर्म्युला आपण जनरल मध्ये इम्पिडन्सचा घेतो,
वीओसी फेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट का करंट आईएससी 1332.050 डिवाइडेड बाय 150, याला जर कैलक्युलेट केलं आपण तर इम्पिडन्स ची वैल्यू मिळते आपल्याला सिंक्रोनस इम्पिडन्स ची 11.547 ओहम। ये हो गया आपका सिंक्रोनस इम्पिडेंस। ठीक है, सेकंड इसमें हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे एक्सएस की वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला ZS का सिंपल फॉर्मूला है, ZS इज इक्वल टू R प्लस J ऑफ X। तो यहाँ से स्क्वायर कर लिया हमने दोनों साइड का, सो ZS स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रहेगा फॉर्मूला। तो वहां से सिंक्रोनस रिएक्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा अपने को XS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ZS स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ZS कितना आया है 11.547 स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस कितना दिया है आपने को 1। सो एक्सएस की वैल्यू मिलेगी आपको 11.503 ओहम। ठीक है, अभी सिंक्रोनस इंपेडेंस निकाला, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, बाद में हम डिटरमाइन करेंगे वहां का फुल लोड करंट। अल्टरनेटर की पावर रेटिंग का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू रूट 3 इंटू वी एल आई एल। तो यहाँ पे कितना पावर रेटिंग मिलेगा अपने को 0.5 × 10⁻⁶ वोल्ट एम्पियर। ठीक है, यहाँ से फुल लोड करंट आई आई की वैल्यू निकालेंगे, उसका फॉर्मूला रहेगा एम वी ए इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू वी एल। ठीक है, तो यहाँ से एम वी ए रेटिंग कितना दिया है आपको 0.5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू वी एल की वैल्यू कितनी दी है 3600। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो फुल लोड का करंट मिलेगा आपको 80.187 एम्पीयर। देन नेक्स्ट फेज वोल्टेज वहां से निकाल सकते हो आप। सो V इज इक्वल टू V फेज इज इक्वल टू VL बाय रूट 3 है, तो VL की वैल्यू कितनी है 3600 डिवाइडेड बाय रूट 3। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो फेज वोल्टेज मिलेगा आपको 2078.460 वोल्ट। ये हो गया आपका फुल लोड का करंट। नाउ डी दिया है आपको, डी में हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। तो कॉस फाई की वैल्यू डायरेक्टली 0.8 लेनी है और साइन फाई वहां से 0.6 आता है, क्योंकि फाई वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 रहेगी और वहां से आप साइन फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करो, वो आएगी आपकी 0.6। तो ईएमएफ का जो इक्वेशन है E0 इज इक्वल टू अपना ये फॉर्मूला मालूम है आपको, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए यहाँ पे प्लस लेना है, लीडिंग के लिए यहाँ पे माइनस लेना है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूले में। सो E0 इज इक्वल टू फॉर्मूला है अपना स्क्वायर रूट ऑफ वी कॉस फाइ प्लस आई ए आर ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वी साइन फाइ प्लस आई ए एक्स एस ब्रैकेट स्क्वायर। याच्यामध्ये वैल्यू पुट करा मग, व्ही ची वैल्यू किती आली आपली, व्ही फेज वोल्टेज घ्यायचं इथलं 2078.46 इंटू कॉस फाय ची वैल्यू आहे 0.8 प्लस आय ए ची वैल्यू किती आहे 80. आय ए म्हणजेच आपला फुल लोड करंट आहे, तो 80.187 इंटू आर ए ची वैल्यू दिलेली आहे आपल्याला 1 प्लस व्ही ची वैल्यू परत 2078.46 इंटू साईन फाय ची वैल्यू 0.6 प्लस आय ए ची वैल्यू परत 80.187 इंटू एक्स एस ची वैल्यू किती आहे आपली 11.503। ठीक आहे, ब्रॅकेट स्क्वेअर याला सॉल्व जर केलं आपण कॅल्सी मध्ये तर ती व्हॅल्यू येते 3037892.132 प्लस ही व्हॅल्यू येते ब्रॅकेट मध्ये 4706587.064। और ये दोनों की ऍडिशन करोगे आप तो व्हॅल्यू मिळेगी आपको 774449.196। और उसका स्क्वायर रूट लोगे आप कैलसी पे तो ये तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी आपको 2782.890 वोल्ट। अभी E0 मालूम हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला आपने को मालूम है वोल्टेज रेगुलेशन का, E0 माइनस V डिवाइडेड बाय V इंटू 100। तो E0 की वैल्यू है 2782.89 माइनस V की वैल्यू है 2078.460 डिवाइडेड बाय 2078.46 इंटू 100। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आएगा आपका 33.891%। ठीक है, तो ऐसे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, समझ में आ।
ये आपका फोर्थ एग्जांपल है। नाउ फिफ्थ एग्जांपल दिया है, फाइव 100 KVA 3000 वोल्ट, 100 KVA 3000 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैज इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 6.2 ओम, द फील्ड करंट ऑफ 40 एम्पियर प्रोड्यूसेस शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 200 एम्पियर एंड एन ओपन सर्किट EMF ऑफ 1040 वोल्ट। कैलकुलेट द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एंड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, ड्रॉ फेजर डायग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है। क्या क्या दिया है डेटा, गिवन डेटा में देखो, 100 KVA का आपका अल्टरनेटर है, सो अल्टरनेटर पावर रेटिंग P इज इक्वल टू 100 KVA लेना है, और यहाँ पे आपको किलो का कन्वर्जन यूनिट 10^3 लेना है, सो 100 × 10^3 इंटू वोल्ट एम्पियर। ठीक है, देन रेटेड लाइन वोल्टेज यहाँ का दिया है आपको 3000 वोल्ट है, फ्रिक्वेंसी दिया है वहां का 50 हर्ट्ज, देन स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है आपका। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 6.2, तो यहाँ पे ही आपको इंडिकेट होना चाहिए कि अब तक के सारे एग्जांपल जो सॉल्व किए हैं हमने उसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो कभी भी वैल्यू आपकी पॉइंट में होती है। ये जो वैल्यू दी है एग्जांपल में वो गलत है, एक्चुअली मेन एग्जाम में ही आपका ये जो प्रॉब्लम पूछा गया था वो गलत दिया था यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो सॉल्व करने नहीं आया था एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अटेम्प्ट करोगे एग्जाम्पल तो आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं भी दिए जाएंगे, वहां पे आपको अज्यूम करना होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू, भले ही उन्होंने 6.2 दी है एग्जाम्पल में, लेकिन ये वैल्यू नहीं लेनी है आपको, यहाँ पे अज्यूम करनी है आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज की वैल्यू 0.2 हो। आपके मन से कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये वैल्यू कम लेनी है आपको, इतना ही ध्यान रखो, आर्मेचर रेजिस्टेंस कभी भी कम होता है। ठीक है, नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अभी फिर सिर्फ यहाँ पे 6.2 के बजाय आर्मेचर रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना लिया है ये ध्यान में रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर की वैल्यू ली है 0.2, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है जीरो ली है हमने 0.2 हो, तो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। पहले सिंक्रोनस इम्पीडेंस निकालने के लिए अपने को फील्ड करंट वहां का 40 एम्पियर दिया है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट रिजल्ट्स का। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया है, द फील्ड करंट 40 एम्पियर प्रोड्यूसेस शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 200 एम्पियर एंड एन ओपन सर्किट ईएमएफ ऑफ 1040। ठीक है, तो फील्ड करंट 40 रहेगा और शॉर्ट सर्किट करंट आपका 200 रहेगा। ठीक है, तो 40 आपका फील्ड करंट है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैरी आउट करने के बाद, फील्ड करंट 40 एम्पियर मिला और शॉर्ट सर्किट करंट मिला आपको 200 एम्पियर, और यहाँ पे स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर होने की वजह से फेज एंड लाइन करंट इक्वल रहेंगे, वहां पे 200 एम्पियर रहेगा फेज करंट भी। ओपन सर्किट का वोल्टेज दिया है 1040 वोल्ट, वहां से ओपन सर्किट का फेज वोल्टेज निकाल सकते हो आप, वी फेज इज इक्वल टू VL/√3, VL कितना है 1040/√3, फेजर कैलकुलेट केलं तर VOC फेजची वैल्यू आली 600.44 वोल्ट। याच्यावरून सिंक्रोनस इम्पिडन्स आपण कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला, ZS इज इक्वल टू VOC फेज डिवाइडेड बाय ISC, व्हॅल्यू पुट करा 600.44/200, याच्यावरून व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 3 ओहम। हा झाला सिंक्रोनस इम्पिडन्स। सिंक्रोनस इम्पिडन्स काढला की आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल सिंक्रोनस रिएक्टन्स, त्याचा फॉर्म्युला सेम आहे, ZS इज इक्वल टू R+G(XS), याच्यावरून ZS² इज इक्वल टू R² + XS² आणि त्याच्यावरून मग फॉर्म्युला मिळेल आपल्याला सिंक्रोनस रिएक्टन्सचा, XS इज इक्वल टू √ZS² - R². ZS किती आला आपला 3² मायनस R ची व्हॅल्यू किती अज्यूम केली आपण 0.2। आप ये अज्यूम करके सॉल्व करना है एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करते हो तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, इथे तुम्हाला ही व्हॅल्यू आर्मेचर रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू आपण 0.2 एज्यूम केली आहे आणि नंतर हे एक्झाम्पल पूर्ण सॉल्व केले तेव्हाच आपल्याला पूर्ण मार्क्स एक्झाम मध्ये दिले जातात। ठीक आहे, आता ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली तर सिंक्रोनस रिएक्टन्स मिळाला आपल्याला 2.99 ओहम।
याच्यावरून फुल लोड करंट कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला, कारण अल्टरनेटरची पॉवर रेटिंगचा फॉर्म्युला पी इज इक्वल टू रूट थ्री व्ही एल आय एल आहे. याच्यावरून 100 × 10³ व्होल्ट एम्पियर आहे, आणि फुल लोड करंटचा फॉर्म्युला मग आय इज इक्वल टू पी डिवायडेड बाय रूट थ्री इंटू व्ही एल असेल. पी ची व्हॅल्यू आहे आपली 100 × 10³ डिवायडेड बाय रूट थ्री इंटू इथं व्होल्टेज, ओपन सर्किटचं व्होल्टेज किती दिलेलं आहे आपल्याला 3000. ठीक आहे, ती जर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली तर करंट, फुल लोडचा करंट मिळाला आपल्याला 19.25. याच्यावरून फेज व्होल्टेज काढता येईल आपल्याला. फेज व्होल्टेज व्ही फेजचा फॉर्म्युला व्ही एल बाय रूट थ्री. व्ही एल किती दिले आपल्याला, लाईन व्होल्टेज 3000 डिवायडेड बाय रूट थ्री. याच्यावरून फेज व्होल्टेज मिळाला आपल्याला 1732.05 व्होल्ट. आणि याच्यावरून मग आपण व्होल्टेज रेग्युलेशन काढणार आहे 0.8 पॉवर फॅक्टर लॅगिंगला. ठीक आहे, इथं मग कॉस फायची व्हॅल्यू परत 0.8 घेतली आणि साईन फायची व्हॅल्यू 0.6 घेतली. ई एम एफचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, ई झिरो इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्ही कॉस फाय प्लस आय आर ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस व्ही साईन फाय प्लस आय एक्स एस ब्रॅकेट स्क्वेअर. व्हॅल्यू पट करा, व्हीची व्हॅल्यू आहे 1732.05 इंटू कॉस फायची व्हॅल्यू आहे 0.8 प्लस आय ची व्हॅल्यू आहे 19.25 इंटू आर ची व्हॅल्यू घेतली आपण 0.2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस परत व्ही ची व्हॅल्यू 1732.05 इंटू साईन फाय ची व्हॅल्यू 0.6 प्लस आय ची व्हॅल्यू किती आहे 19.25 इंटू एक्सएस ची व्हॅल्यू आली आपली 2.99 ब्रॅकेट स्क्वेअर. याला कॅल्क्युलेट केलं आपण, ब्रॅकेटमध्ये सॉल्व्ह केलं तर ती व्हॅल्यू येईल आपली 19,30,682.46 प्लस 120,33,22.887. आणि या दोघांची ऍडिशन केली तर व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 31,34,005.347. आणि याचं जर स्क्वेअर रूट घेतलं तर ई झिरोची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 1770.31 व्होल्ट. आणि ई झिरो माहिती झालं की व्होल्टेज रेग्युलेशन कॅल्क्युलेट करता येईल. ई झिरो मायनस व्ही डिवायडेड बाय व्ही इंटू 100. ई झिरोची व्हॅल्यू किती आली आपली 1770.31 मायनस व्हीची व्हॅल्यू किती आहे आपली 1732.05 डिवायडेड बाय 1732.05 इंटू 100. सो व्होल्टेज रेग्युलेशन किती मिळालं आपल्याला 2.21. आता लॅगिंग पॉवर फॅक्टरला परत व्होल्टेज रेग्युलेशन पॉझिटिव्ह मिळालं आपल्याला. आता लिडिंग पॉवर फॅक्टरसाठी व्होल्टेज रेग्युलेशन काढायचं आहे आपल्याला, 0.8 पॉवर फॅक्टर घ्यायचा आहे. सो क्योंकि एग्जाम्पल में भी दिया है, ये देखो यहाँ पे 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एंड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग के लिए आपको वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है. तो ये दोनों कंडीशन के लिए हमने वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया. ईएमएफ का फॉर्मूले में क्या चेंज हो गया, यहाँ पे ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, सिर्फ यहाँ पे प्लस लेना है लैगिंग में और यहाँ पे माइनस लेना है, इतना ही डिफरेंस है. तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, वैल्यू पुट करो वी की वैल्यू 1732.05 इंटू 0.8 कॉस फाय प्लस आय ची व्हॅल्यू 19.25 इंटू 0.2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस व्ही ची व्हॅल्यू परत 1732.05 साईन फाय ची व्हॅल्यू 0.6 मायनस. आता इथं मायनस घेतला आपण लिडिंग पॉवर फॅक्टरसाठी, आय ची व्हॅल्यू घेतली 19.25 इंटू एक्सएस ची व्हॅल्यू 2.99 ब्रॅकेट स्क्वेअर. याला सॉल्व्ह केलं आपण, ठीक आहे, तर ही व्हॅल्यू मिळाली 19,30,682.46 प्लस ही व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला आता याला सॉल्व्ह केल्यानंतर 96,33,40.78. आणि या दोघांची ऍडिशन केली तर 28,940.23.24 ही व्हॅल्यू मिळाली. त्याचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर ती व्हॅल्यू आहे 1701.18 व्होल्ट. आणि याच्यावरून व्होल्टेज रेग्युलेशन कॅल्क्युलेट केलं आपण, ई झिरो मायनस व्ही झिरो डिवाइडेड बाय व्ही इंटू 100. ई झिरो की व्हॅल्यू आहे आपकी 1701.18 मायनस व्ही की व्हॅल्यू 1732.05 डिवाइडेड बाय 1732.05 इंटू 100. इसको कॅल्क्युलेट करेगा तो व्होल्टेज रेग्युलेशन मिळेगा आपको -1.78%. यहाँ पे माइनस साइन आ गया, यानी आपका आंसर करेक्ट है. ठीक है, लीडिंग में कभी भी वोल्टेज रेगुलेशन आपका माइनस आना चाहिए, लैगिंग में और यूनिटी पावर फैक्टर में आपका वोल्टेज रेगुलेशन कभी भी पॉजिटिव आना चाहिए. ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको. इसके बाद उन्होंने एग्जांपल में फेजर डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है. ठीक है, ये फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किए अपने, ये देखो, ये ई जीरो का फेजर है,
ये आई का फेजर है आपका और ये आपका वी का फेजर है। यहाँ पे आई हमने वी से लैगिंग कंडीशन में लिया है फाई इतने एंगल से, और यहाँ पे जो ड्रॉप रहेगा आर्मेचर वाइंडिंग में वो आपका आई आर ए रहेगा, और वहां से सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वजह से वो आपका जो ड्रॉप होगा वो रहेगा आपका आई एक्सेस, ठीक है। और यहाँ से आपने ये रिजल्टेंट लिया तो ये आपका मिलेगा ई जीरो का फेजर, ठीक है। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए यहाँ पे डायग्राम है, फेजर डायग्राम। ये वोल्टेज से करंट लैगिंग में है तो उसकी वजह से ये लैगिंग पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ये डायग्राम। और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आई का करंट, आई का यानी करंट का जो फेजर है वो रेफरेंस फेजर लिया है। यहाँ से वोल्टेज का फेजर नीचे लिया है ताकि यहाँ पे करंट आपका लीडिंग में जाए, लीडिंग में आपका फाई एंगल से रहेगा करंट वोल्टेज से, ठीक है। और फिर से यहाँ पे ये ई जीरो का आपका फेजर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा ड्रॉप होगा आपका आई इंटू आर ए, और वहां पे सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वजह से आपका आई इंटू एक्सेस ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम रहेगी आपकी 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट वोल्टेज से लीडिंग कंडीशन, समझ लो। इथं वोल्टेज अपन लैगिंग मध्ये घेतलं, सॉरी इथं करंट हा लैगिंग मध्ये घेतला वोल्टेजचा, म्हणून हा 0.8 लैगिंग पॉवर फैक्टर साठी फेजर डायग्राम आहे। इथं आपण वोल्टेजचा करंट लीडिंग कंडिशन मध्ये घेतला फाय एवढा अँगल आणि म्हणून हा ही फेजर डायग्राम 0.8 लीडिंग पॉवर फैक्टर, क्लियर। तो ये है आपका सिक्स्थ एग्जाम। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, क्या एग्जाम्पल दिया है देखो, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर रेटेड एट 600 के लिए 13,500 वोल्ट, थ्री फेज चा स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर आहे ज्याची रेटिंग आहे 1600 के व्ही ए आणि इथलं वोल्टेज आहे 13,500 वोल्ट, आर्मेचर रेझिस्टन्स अँड सिंक्रोनस रिएक्टन्स आर 1.5 ओहम अँड 30 ओहम रिस्पेक्टिवली पर फेज। आर्मेचर आणि सिंक्रोनस रिएक्टन्स दिलेले आहेत आपल्याला, आर्मेचर रेझिस्टन्स दिला आहे 1.5 ओहम आणि सिंक्रोनस रिएक्टन्स दिला आहे म्हणजेच एक्सेसची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 30 ओहम रिस्पेक्टिव। कॅल्क्युलेट परसेंटेज वोल्टेज रेग्युलेशन फॉर लोड ऑफ 1280 किलो वॅट ॲट अ पॉवर फॅक्टर 0.8 लिडिंग अँड युनिटी पॉवर, ठीक आहे। परसेंटेज वोल्टेज रेग्युलेशन काढायचं इथं पण आपल्याला, ठीक आहे। इथं दोन कंडिशन दिल्या 0.8 लिडिंग पॉवर फॅक्टर साठी आणि युनिटी पॉवर फॅक्टर साठी वोल्टेज रेग्युलेशन कॅल्क्युलेट करायचं। सोल्युशन मध्ये गिव्हन डेटा बघा काय काय दिलाय, थ्री फेज चा स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर आहे, तिथलं लाईन वोल्टेज दिलेलं आहे 13.5 × 10⁻³ केव्ही, केव्ही मध्ये कन्वर्ट केलं येणार, ठीक आहे। तो आर वन पर फेज व्हॅल्यू आहे 1.5 ओहम आणि एक्सेस पर फेज व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला 30 ओहम, व्हीटी पर फेज व्हॅल्यू आहे 13.5 × 10⁻³, ही लाईनची व्हॅल्यू होती, ही फेज व्हॅल्यू आहे। व्ही फेज इज इक्वल टू व्ही एल बाय रूट थ्री घेतो आपण, म्हणून ही व्हॅल्यू डिवायडेड बाय रूट थ्री केलं तर ती व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला व्हीटी पर फेज ची 7,794.2 वोल्ट, क्लिअर आहे। ही आली आपली व्हीटी पर फेज ची व्हॅल्यू। नाव याच्यावरून सुरुवातीला लाईन करंट काढून घेऊ आपण, आय ए लाईन करंट, त्याचा फॉर्म्युला आपला KW × 10⁻³ डिवायडेड बाय रूट थ्री इंटू व्ही टी लाईन इंटू कॉस फाय असणार आहे। हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, फाय ए लाईन करंट इज इक्वल टू KW × 10⁻³ डिवायडेड बाय रूट थ्री इंटू व्ही टी लाईन इंटू कॉस फाय, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे तुम्हाला। फाय ए लाईनचा जो लाईन करंटचा जो फॉर्म्युला लिहिला त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा, किलो वॅट रेटिंग किती दिली आपल्याला 1280 × 10⁻³ डिवायडेड बाय रूट थ्री, व्ही टी लाईनची व्हॅल्यू 13.5 घेतली आपण × 10⁻³,
ठीक है, वी टी लाइन इथे दिलेलं तुम्हाला, वी टी लाइन ची ही व्हॅल्यू घेतली आपण 13.5 इंटू 10 टू पॉवर 3, क्लिअर आहे. इंटू कॉस फाय ची व्हॅल्यू सुरुवातीला आपण लिडिंग पॉवर फॅक्टर घेऊ 0.8 साठी, ठीक आहे. इथं 0.8 लिहिलेलं, त्यामुळे इथं आपण 0.8 घेतला पॉवर फॅक्टर. आणि या व्हॅल्यूला कॅल्क्युलेट केलं आपण तर आय ए लाईन करंटची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 68.43 एम्पीयर, ठीक आहे. तो यहाँ पे लाइन करंट मिला वहां से, और यहाँ पे परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है अपने को 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर के लिए. तो ई फेज यानी इंड्यूस ईएमएफ पर फेज का जो फॉर्मूला है वो लीडिंग का लेना है यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर का, वी टी कॉस फाइव प्लस आई आर ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वी टी साइन फाइव माइनस आई एक्स एस ब्रैकेट स्क्वायर. इसमें ये फॉर्मूले में है, वैल्यू पुट करो. वी टी की वैल्यू कितनी है 7794.23 इंटू पावर फैक्टर 0.8 है, प्लस आई एच वैल्यू की आई अपनी 68.43 इंटू आर एच वैल्यू की दे दी अपने 1.5 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस वी टी की वैल्यू पर 7794.23 इंटू 0.6 साइन फाइव ची वैल्यू असेल, माइनस आई एच वैल्यू पर 68.43 इंटू एक्स एस ची वैल्यू किती दिली आपल्याला 13 याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर. याला सॉल्व केलं आपण तर ही व्हॅल्यू मिळाली 6338.25 ब्रॅकेट स्क्वेअर, प्लस याला सॉल्व केलं तर ही व्हॅल्यू मिळाली 2623.64 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि या दोघांचे ऍडिशन केली आपण तर ती व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 47.05 68.91 आणि याचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर ई फेजची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 6801.8 व्होल्ट. त्याच्यावरून वोल्टेज रेग्युलेशन काय करणार आपण, ई फेज मायनस व्ही टी डिवायडेड बाय ई फेज हा फॉर्म्युला घ्यायचा. मग याच्यामध्ये ई फेजची व्हॅल्यू किती आली आपली 6801.8 मायनस ई फेज मायनस व्ही टी, व्ही टी ची व्हॅल्यू किती आपली 7794.23 डिवाइडेड बाय 7794.23 100 केलं तर परसेंटेज रेग्युलेशन जर कॅल्क्युलेट केलं तर ते मिळालं आपल्याला -11.99%. क्लिअर. हे झालं 0.8 पॉवर फॅक्टर लिडिंग साठी परसेंटेज रेग्युलेशन कॅल्क्युलेट केलं होतं. आता युनिटी पॉवर फॅक्टर साठी परत परसेंटेज रेग्युलेशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपल्याला. परत आपल्याला आय ए लाईन करंटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. फॉर्म्युला सेम असणार आहे, किलो वॅट इंटू 10 टू पॉवर 3 डिवायडेड बाय √3 इंटू व्ही टी लाईन कॉस फाय, ठीक आहे. त्याच्यावरून या व्हॅल्यू पुट करा. आता मग आय ए लाईन करंटची व्हॅल्यू किलो वॅट रेटिंग किती आहे 1280 इंटू 10 टू पॉवर 3 डिवायडेड बाय √3 इंटू व्ही टी लाईनची व्हॅल्यू 13500 इंटू कॉस फाय ची व्हॅल्यू किती घ्यायची. आता युनिटी पॉवर फॅक्टर असल्यामुळे 1 घ्यायची. इथं आपण 0.8 घेतली, इथं 1 घेतली, एवढाच फरक आहे. आणि याच्यावरून आय ए लाईन करंट कॅल्क्युलेट केला आपण, तो आला 54.74 एम्पियर. याच्यावरून मग परत इंड्यूसीएमएफ पर फेजचा फॉर्म्युला यूज केला आपण. फॉर्म्युला आहे व्ही टी कॉस फाय प्लस आय ए आर ए ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस व्ही टी साइन फाय प्लस आय ए एक्स एस ब्रॅकेट स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट करा मग याच्यामध्ये. पहिलेच्या फॉर्म्युलेमध्ये व्हॅल्यू पुट केल्या, व्ही टीची व्हॅल्यू किती आपली 7794.23 इंटू कॉस फाय 1 प्लस आय एच व्हॅल्यू आली आपली 54.74 इंटू 1.5 आर एच व्हॅल्यू आहे ब्रॅकेट स्क्वेअर, प्लस व्ही टीची व्हॅल्यू परत 7794.23 इंटू साइन फाय ची व्हॅल्यू 0 आली, प्लस आय एच व्हॅल्यू परत 54.74 इंटू 30 ब्रॅकेट स्क्वेअर. याला जर सॉल्व केलं तर ती व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 6473355.6 इफेज ची. आणि त्याचं स्क्वेअर रूट घेतलं आपण तर ती व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला इफेज इज इक्वल टू 8045.72. आणि याच्यावरून रेग्युलेशन कॅल्क्युलेट केलं आपण तर फॉर्म्युला इफेज मायनस व्ही टी डिवायडेड बाय व्ही टी. इफेज ची व्हॅल्यू किती आहे 8045.72 मायनस व्ही टी ची व्हॅल्यू 7794.23 डिवायडेड बाय व्हीटीची व्हॅल्यू 7794.23 इंटू 100 केलं. आणि याच्यावरून रेग्युलेशन कॅल्क्युलेट केलं ते मिळालं आपल्याला 3.23 हे पॉझिटिव्ह मिळालं आपल्याला. क्लिअर आहे. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव आता है और आपका यूनिटी पावर फैक्टर
एंड लैगिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन आपका कभी भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके मेन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, आपको ये एग्जांपल सॉल्व करने आने चाहिए। एक दो तीन फॉर्मूले के ऊपर ही ये सारे एग्जाम्पल्स डिपेंड है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है अगर आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखते हैं तो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स में किसी को कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।